हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बड़ी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी में बेसन डाल दिया है। आप जितना बनाना चाहते हो आप उतना ही बेसन डालें अपने अंदाज से। मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बेसन डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें हल्दी 2 स्पून डाल देती हूँ और 2 स्पून मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। गाइज, इसमें मैं मंगरेल जमाइन 1 स्पून 1 स्पून डाल देती हूँ। गाइज, अपने हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। गाइज, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसका बड़ी अच्छा से नहीं बन पाएगा और ये बड़ी अच्छे से फूल भी नहीं पाएगी। तो आप क्रीम जैसा, आप क्रीम का पेस्ट जैसा बनाते हो ना, आप उस तरीके का ये पेस्ट बना सकते हो। इसमें मैं 1/2 स्पून नमक डाल देती हूँ, यानी कि साल्ट। गाइज, इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो गाइज, चेक करने के लिए मैं एक आपको नुस्खा बता रही हूँ। 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है और इसमें इसका पेस्ट थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ। अगर गाइज इसका पेस्ट ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है, तो आप समझ जाइए ये कम्प्लीट हो चुका है। और अगर तैर नहीं रहा है, नीचे चला गया है, तो आप इसे थोड़ा सा और मिलाएं जब तक ये ऊपर तैरने ना लगे। ये हमारा तैर रहा है तो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं इधर पैन चढ़ा दे रही हूँ और इसमें तेल यानी कि ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है। अब मैं जो पेस्ट बनाई थी मैंने बड़ी कढ़ी का, तो बड़ी के लिए मैं छोटा छोटा पेस्ट उसमें डाल देती हूँ। छोटे छोटे अपने हाथों से टुकड़े बना के मैं उसमें डाल देती हूँ। गाइज, इस पैन में पूरा अच्छे तरीके से बड़ी ना भरे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना इसमें बड़ी, तो ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो पाएगी, यानी कि छना नहीं पाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे बड़ी को पलट ले रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल ब्राउन भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन कर दोगे तो ये जलने की संभावना भी हो सकती है इसमें। तो आप ज़्यादा ब्राउन ना करें, रेड ही ठीक है, हल्का फुल्का रेड, उतना भी नहीं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट भी कर सकते हो ताकि हमें ये पता चले कि आप कैसा, आपको लगा ये बड़ी कढ़ी। ये हमारी बड़ी कढ़ी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। गाइज, बहुत लोगों से बड़ी कढ़ी गड़बड़ा जाती है। इसलिए गड़बड़ा जाती है गाइज, क्योंकि कढ़ी अंदर में पानी अब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाता है। इसका वजह ये है कि आप जो मतलब पेस्ट बनाते हो ना, तो अगर ये पानी में तैरने लगे तभी इसके अंदर पानी अब्जॉर्ब होता है, यानी कि इसमें कढ़ी उसी टाइम अब्जॉर्ब होता है। और अगर आपका ये जो पेस्ट है ऊपर नहीं तैर रहा है पानी के ऊपर, तो आप समझ जाओ कि आपका भी मतलब ये बड़ी का पेस्ट तैयार नहीं हुआ है। तो आप इसे फिर से मिलाएं, अच्छे तरीके से मिलाएं जब तक ये ऊपर में तैरने ना लगे। आप देख सकते हो गाइस, ये फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। मैंने छानने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल रखा था इसलिए मैं तेल आधा निकाल ले रही हूँ और थोड़ा सा तेल मैं इसमें रहने देती हूँ और इसे गर्म होने के लिए मीडियम छोड़ देती हूँ कम आँच में। मैं इधर कोई और तैयारी कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बेसन घोल रखा था ना, मतलब जिस बर्तन में, उस बर्तन में मैं मिनिमम 3 ग्लास इसमें पानी डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा बेसन और डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गाइज इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साइड साइड में जो भी बेसन लगा हुआ है, इसे पहले जो मैंने पेस्ट बनाने के लिए यूज किया था, मैंने वही बर्तन में मैं इसका मतलब रस बना रही हूँ, इसका कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज, जो भी साइड साइड में लगा हुआ है हटा लो, इसमें मिला लो। और मिर्च पाउडर मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, धनिया पाउडर में मैंने 2 स्पून डाल दिया है और हल्दी पाउडर भी मैंने 2 स्पून डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। गाइज, मैं ये चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस बर्तन में आपने बड़ी के लिए पेस्ट बनाया था ना, मैं उसी में इसमें पानी वानी डाली हूँ मैंने, इसलिए गाइज उसमें भी बेसन लगा हुआ था, वो वेस्ट हो जाता और अगर आप उसे धो लेते तो आप कचरा में चल जाता, जबकि वो फ्रेश है, ज़्यादा मतलब वो ओल्ड नहीं है, नया ताज़ा है। तो आप उसे साइड साइड से निकाल के आप इसमें
कढ़ी में मिक्स कर ले, जो मैं कढ़ी बनाने के लिए जा रही हूँ उसे आप मिक्स कर ले, और मिनिमम मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। गाइज इस बड़ी कढ़ी का एक मेन फंडा है, यानी कि एक टिप्स है, बहुत मस्त है वो आजमाने के बाद, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ कि उस तरीके से बड़ी कढ़ी कभी ख़राब हो ही नहीं सकती है, किसी की नहीं होगी। पानी अच्छे तरीके से, यानी कि उसमें कढ़ी अच्छे तरीके से बड़ी में अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, मस्त बनने वाला है। तो आप बने रहें और लास्ट तक बने रहें। गाइज इसका मेन टिप्स अब मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिनिमम कटोरा में 2 गिलास पानी चढ़ा दिया है और ये गर्म हो चुकी है, और मैं इसमें बड़ी जो मैंने छान रखा था मैं वो इसमें डाल देती हूँ और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, मैंने इसमें ऑयल बचा के रखा था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 स्पून। गाइज इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और तेजपत्ता भी डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जीरा और तेजपत्ता फ्राई हो चुकी है, बहुत यमी तरीके से, बहुत मस्त लग रहा है गाइस, इसका तड़का मस्त लगने वाला है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो घोल कंप्लीट कर रखा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। गाइस मैंने कढ़ी के लिए जो घोल कंप्लीट किया था मैं उसमें पैन में वही डाल देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 स्पून दही ले लिया है। गाइज आप इमली का पानी भी डाल सकते हो यार, लेकिन मेरा मानना है कि इमली का पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसी कारण मैं इमली का पानी इसमें यूज नहीं कर रही हूँ बल्कि दही कर रही हूँ। इसमें मैं 1/2 कप पानी इसमें डाल दे रही हूँ दही में। ये देखिए फ्रेंड्स, वो हमारा दही कम्प्लीट हो चुका है। मैं इसमें 1 स्पून नमक डाल देती हूँ, और जो मैंने दही अभी कंप्लीट किया था जिसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे तेज आंच में खौलने के लिए छोड़ देती हूँ। गाइज बहुत ज़्यादा ये खौलने लगे तो आप मीडियम कर सकते हो। गाइज मैंने बड़ी जो कंप्लीट कर रखा था मैं इसमें डाल देती हूँ, और मिनिमम 10 मिनट के लिए इसे मीडियम आँच में रहने देती हूँ खौलने के लिए, ताकि इसमें पानी अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हमारी हो चुकी है, मैं आपको सर्व भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, कितना डबल हो चुका है ये बड़ी, कितना मस्त लग रहा है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।